Hello, everybody. Good evening. Uh, today we have uh, rank 48, Aditya Pandey, with us. Okay. So he'll come and he'll talk to you. So if you have any specific query in general or subject specific or preparation that take, you can chat with him. Okay. I'll just call him. Uh, Aditya. Uh, two, three days back, Arushi also had come. फोर जीरो टू बट टाइमिंग डिड नॉट मैच विथ यू सो ही आदित्य पांडे रैंक फोर्टी एट ओके बाय प्रोफेशन बी टेको हम्म yeah I'll, I'll give you mic. okay so he's btac he worked for two years then he did MBA. then again worked for two years and life was so smooth that he got dejected with that his line was very appropriate and this line you will see in western philosophy in existentialism philosophy okay life is it like DC dc so that's not living and if it is like this, then it makes us to realize that we are living. It's a very big philosophical statement. Over the years, you will realize, and after studying existentialism, definitely you will have realization. Okay, I'll give mic to him. So now you can talk to him. I'll keep it in hand. बिल्कुल. Uh, think... तो so uh, uh, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं मैं अपने बारे में. Uh, हर मिडिल क्लास मतलब मैं तो इनफैक्ट मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग नहीं करता हूँ मैं उससे भी नीचे आता हूँ मैं बिहार के एक छोटे से मतलब पटना में रहता हूँ लेकिन पटना में मैं अभी भी ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ मैं मुखिया चुनता हूँ और उस मुखिया को शायद पिछले तीन इलेक्शन से बोला जा रहा है कि हमारा रोड ठीक करा दो पर कोई मतलब नहीं है ठीक है तो कहानी वहाँ से शुरू होती है वो कहते हैं ना कि जो चलन होता है वो हम कर लेते हैं तो फादर मेरे शायद सेवेंथ या एट्थ पास होंगे और ममा हमारी पांचवी पास है पर उन दोनों का सपोर्ट इतना ज्यादा है मेरे जीवन में कि मैं क्या बोलूं मतलब मैं राम भक्त हूँ राम को कभी देखा नहीं है हमने सगुन उपासक हूं मैं लेकिन मेरा मानना है कि मेरे माता पिता ही मेरे लिए सीताराम राम है क्योंकि मैं जब भी वेनवर आई दैट आई आई एम फीलिंग डिजेक्टेड ही दे आर दन सुसाइड की क्यों परेशान हो रहे हो करना ही है ना कर लोगे और जीवन में तकलीफ तो आती है और चूंकि बचपन से राम भक्ति रही है तो राम का तो जीवन ही मेरा आधार रहा है जिसको त्रिलोक के स्वामी बनना था तीनों लोकों का स्वामी कहा जाता है कि जब हम मर्त लोक में आते हैं तो ही हैड टू बिकम द रूलर ऑफ द थ्री वर्ल्ड रात में उनको ये बातें बताई जाती हैं बट वेरी नेक्स्ट मोमेंट ही गेट्स टू नो एंड हिज ब्रदर जंगल तो जब प्रभु अपने जीवन को जब मृत्यु लोक में लेकर के आते हैं मानव रूप में जब इतनी तकलीफें उनको झेलनी पड़ती है तो हमारी औकात कितनी है तो ये चीजें मेरे लाइफ में हमेशा मोटिवेटिंग रही और दूसरी चीज रोना बड़ा कॉमन होता है सी डीलिंग विद द मेंटल फ्रस्ट्रेशन मैं ये चीजें इसलिए अभी कर रहा हूं ना क्योंकि आर द टॉपिक्स जो कि चीजें लोग ना तो बात करना चाहते हैं एक बार वो टॉपर बन जाते हैं नहीं नहीं हम तो दस घंटा बारह घंटा पढ़ लेते थे चौदह घंटा पढ़ लेते थे भाई नहीं होती है पढ़ाई चौदह घंटे नहीं होती है राम भक्ति मेरी अलग थी मैं कोरियन ड्रामाज का भी फैन रहा हूं हाँ मैं मैं अभी मैं बोलना शुरू करूं तो कम से कम मैं पचास नाम ले लूंगा और वो क्रैश लैंडिंग ऑन यू नहीं होगा नहीं नहीं होगा क्योंकि अभी पूछो किसी को कोरियन ड्रामा तो क्रैश लैंडिंग ऑन यू यूनम के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं पता उनको लेकिन मैं कम से कम पचास कोरियन ड्रामा दे सकता हूँ दस से बारह तो मैं एक्ट्रेस दे सकता हूँ सॉरी एक्ट्रेस इज तो मेरा केस ऐसा रहा है तो मैं कभी भी फ्रस्ट्रेशन से डील करने के लिए देर इज अ वेरी सिंपल थिंग आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो यू सिंपली नीड टू कम आउट ऑफ इट यार जिंदगी थम थोड़े ना जाती है तो यू जस्ट हैव टू मूव आउट ऑफ इट वो कैसे करोगे इट इज अप टू यू आप किसी आधार को पकड़ लो तो मेरी कहानी ऐसी थी कि जैसा सर ने बोला ना कि मेरा लाइफ बड़ा स्मूथ चल रहा था पोस्ट ग्रेजुएट इन एम बी ए फ्रॉम आई आई टी रुड़की वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस हाँ आईआईटी से होती है एमबीए ऐसा चेहरा मत बनाइएगा कि नहीं होती है नहीं पीपल से ही कह रहे तुम आईआईटी से एमबीए कर रहे हो क्या मतलब है तो होती है आईआईटी से एमबीए भी होती है फ्यू कॉलेजेस ऑफर्स तो वहां से नौकरी करी कैंपस प्लेस आईसे आईसे बैंक, core, uh, अच्छी चल रही थी मुझे ऐसा इन्विजन कि तो किया था मॉर्निंग में उठो जिम करो चार साढ़े चार बजे तक फ्री हो जाओ कोई बोलने वाला नहीं कोई बोले भी तो फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू कि आपका टारगेट्स कंप्लीट है मुझे बोला भी जाता था कि रात के दो बजे तक रुको तो मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं होगा हाँ पीपल स्टे टिल टिलू रुकते हैं ऐसे ऐसे बैंक में और स्पेशली इन दे स्टे टिल क्यों रुकते हैं मुझे नहीं पता ठीक है बट आई डिड नॉट पर मेरे जीवन में वैसा फन तो नहीं चाहिए था और जो हो रहा था वो फन नहीं था सो वन फाइन मॉर्निंग माय इमीडिएट बॉस रिजाइंड तो एक डेढ़ महीने का टाइम था व्हेन सी वाज बीइंग फेयरवेल्ड मैंने ऊपर बैठ के अपना रेजिग्नेशन भेज दिया मैंने बोला नाउ आई एम डन और मेरे बॉसेज ने कहा कि तुम रुक जाओ तब तक मैंने मन मना लिया था कि मेरे को यूपीएससी तो करना है करना तो बहुत पहले से था मन में था तीन चार साल से वो चल रहा था प्रोसेस एमबीए के देश से ही क्योंकि उतनी ज्यादा एक्सपोजर नहीं था बट स्टिल आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया कि होता है कुछ कर लेंगे और उस समय तक ये भी आइडिया नहीं था कि किस रैंक पे क्या मिलता है ये भी आइडिया नहीं था कि अनरिजर्व कैटेगरी सात रैंक तक जाती ही नहीं है मेरा आइडिया तो यही था कि ठीक है यूपीएससी कर लेंगे 800 900 सीट होती है 800 रैंक भी आएगा तो ठीक है कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा तो तो आई लिटरली दिस दिस अनभिज्ञ अबाउट अबाउट ऑल प्रोसेस बट वो कहते हैं ना ना कि जब आप किसी चीज को लो करने का यू नीड टू नो इन एंड आउट दैट थिंग और मेरे जीवन में जैसा मैंने कहा राम भक्ति तो राम के जीवन से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी जैसे एक बड़ी लाइन जो मैंने सीखी जो मैंने अपने जीवन में चरितार्थ किया वो था कि अपने संकल्प का ना कोई विकल्प मत रखना

नाउ कमिंग टू फिलोसफी एज एन ऑप्शनल कि एक इंजीनियर 2014 में पास आउट देन 2018 में एम करके निकला हुआ हैविंग एक्सपोजर इन टू बैंकिंग वो मैनेजमेंट छोड़ करके फिलोसफी क्यों लेता है एंड ऑल क्रेडिट गोज टू दिस मैन एक फ्री लेक्चर थी इनकी पुरुषार्थ का चैप्टर चल रहा था क्योंकि राम भक्त हो मोक्ष वर्ड बहुत चलता है हमारे यहाँ मोक्ष चाहिए अब मोक्ष मटेरियल मोक्ष चाहिए कि स्पिरिचुअल मोक्ष चाहिए आई डेंट नो अबाउट दिस बट सगुन उकक्ष पाना भी एक पाप होता है थिंक uh, if, if uh, uh, मोक्ष, फॉर so मोक्षा बट आई न्यू द वर्ड सर की बड़ी प्यारी क्लास थी आई थिंक uh, यहां से उन्होंने शुरू किया पुरुषार्थ और ये ऐसे लाइन गई पहला धर्म अर्थ काम और मोक्ष और वो क्लास वो चार वर्ड्स इतने फैसिनेटिंग मेरे को लगे कि मैंने कहा मैनेजमेंट स्वाहा और मैंने फिलोसफी को एज एन ऑप्शन उठा लिया मुझे ये भी नहीं पता कि फिलोसफी के अंदर क्या सब्जेक्ट्स हैं क्या टॉपिक्स हैं क्या क्या है मैंने कहा कि ये चार चीजें मेरे को प्यारी लग रही हैं और लिटरली यही हुआ मैंने कहा ये चार चीजें अगर और सर ने कहा भी कि यही कोर है पूरा इंडियन फिलॉसफी इन्हीं चार चीजों पे टिका हुआ है और इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है और मैंने एक चीज और सीखी है कि अपने गुरु पे कभी भी ना मतलब वो कहते हैं ना ब्लाइंड ट्रस्ट रखना वो सही कहते हैं अगर जो गुरु है मैं किसी की भी बात नहीं कर रहा हूं इफ यू नो द मीनिंग ऑफ गुरु इट इज संबडी हु पाथ फ्रॉम अंधकार टू लाइट सो आई एम बींग वेरी स्पेसिफिक अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड गुरु तो मैंने लिटरली इनके वो जब चार टर्म्स सुने मैंने कहा कि गुरु हो तो ऐसा हो वरना ना हो मैंने कहा मैं सौंप रहा हूं आप जो पढ़ाएंगे वही करूंगा एक्स्ट्रा नहीं करूंगा आ, मैं मार्कर थोड़ा यूज कर लेता हूं आई uh, थिंक uh, मैंने इंटरेस्ट कब जागा मेरा फिलोसफी में कम्प्लीटली ले तो लिया मैंने मैंने सोचा ठीक है ले लेते हैं कर लेंगे सुनता भी था कि बच्चे चेंज कर लेते हैं दे डू चेंज दियर ऑप्शनल्स तो मैंने कहा ठीक है नहीं होगा तो चेंज कर लेंगे आई वॉज ऑलरेडी गुड एट मैनेजमेंट

और ये ऐसा कुछ था यहाँ पे सर ने ऐसे प्रकृति लिखा और ये पुरुष आया बेसिक्स बन चुकी थी ऑलरेडी न्यू अबाउट द बेसिक्स सर ने यहाँ पांच पॉइंट लिखे इधर पांच पॉइंट लिखे दिस इज इनफैक्ट मेरे को याद भी है सर ऐसे ही लिखते हैं एब्सोल्यूट क्रॉस वन क्रॉस अल्टीमेट अब इंडिपेंडेंट एंड ऑल जो भी सर के जो मल्टीपल जो वर्ड्स होते हैं जो कि हंसने की बात नहीं है ये बहुत काम आता है द द द मोर यू यू कैन रिकॉल रिकॉल फास्टर फास्टर बी एबल टू राइट इनफैक्ट जो पेपर होता है हमारा uh, मेन्स का राइटिंग इट इज नॉट अबाउट राइटिंग द बेस्ट ऑफ द आंसर इट इज राइटिंग द एंड हाउ डू यू राइट रेलिवेंट वन वहां याद करके नहीं लिखना होता है जो दिमाग में आता है वही लिखना होता है एंड वो दिमाग में कब आता है वेन यू हैव रिकॉर्ड इट एटलीस्ट टेन टू ट्वेंटी टाइम्स हो जाता है रिकॉल दस से बीस बार हो जाता है आई शेयर माय नोट्स विद सर आल्सो आप देख लेना मैंने पूरी सांख्यन आई आई एम एम फ्रेंडली एक पेज में पूरा सांख्य खत्म है एंड यू कैन आस्क मी राइट नाउ मैंने पिछले आठ नौ महीने से नहीं छुआ है क्वेश्चन sure हो सके मैं पूरा ही कर दू इसलिए क्योंकि दिस वॉज द वे सर ने लिखवाया ये पांच पॉइंट अब एब्सोल्यूट का मतलब तो सबको पता है सिंस आई हैड अ रीडिंग बैकग्राउंड आल्सो रेगुलर रीडर रहा हूं मैं सो आई वाज क्लियर विद द वर्ड्स उसके बाद पुरुष में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है पहला लाइन सेम रहेगा वन मेनी में बदल जाएगा उसके बाद सर यहीं पे थोड़ा सा ले लेते हैं यहाँ पे आप इसके ऐसे करके लिख देते थे मल्टीपल यहाँ पे इसके प्रूफ्स फॉर द प्रकृति देन uh, पुरुषास के साथ भी यही होता था सो दिस एंटायर अरेन्जमेंट मेड अ चार्ट इन टू माई माइंड मैंने बोला कि इफ स्टडी इज टू बी डन दिस इज द वे एंड दिस हेल्प मी मेकिंग नोट्स फॉर माई अदर सब्जेक्ट्स फॉर अदर सब्जेक्ट एज वेल इफ एनीबडी नोस इन पॉलिटी लक्ष्मीकांत इज द रेफर्ड बुक आई थिंक अभी तक बदला नहीं है आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर से अब बदल देना चाहिए बट आई थिंक यू शुड स्टिक टू द बेसिक्स वो नहीं बदलेगा फंडामेंटल राइट चेंज भी नहीं होगा इतनी जल्दी गिवन द पॉलिटिकल डायनमिक्स इन इन आर कंट्री हाँ नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा इतनी इतनी जल्दी नहीं चेंज होने वाला अभी तो राज्य बिहार रहे हैं तो यू 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 कैन चेंज इट इजली तो मैंने कहा कि ये चीजें वहां हेल्प करेंगी कैसे करेंगी आई टेल यू डायरेक्टली पॉलिटी में लक्ष्मीकांत का फंडामेंटल राइट कैनडिय बटेलमी कितने पेजेस में होगा दस दस पेज में है नहीं मोर देन थर्टी पेज एटलीस्ट थर्टी पेज थर्टी फाइव ही होगा या थर्टी सेवन होगा इफ आई एम करेक्ट मैंने उसको आईपैड के दो पेज में खत्म कर दिया एंड आई एम वेरी श्योर कि लक्ष्मीकांत का एक एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल उसमें कवर्ड है फॉर श्योर आई एम वो चीजें कहां से आई आई ओनली मेड नोट्स फ्रॉम टेकिंग लेसन फ्रॉम दिस एंटायर अरेन्जमेंट ये फ्लो चार्ट बनाना मेरे को वो थोड़ा आसान इसलिए भी हो गया क्योंकि आई वॉज एन ग्रेड वहां यही सब करते हैं स्टार्ट में लिंकिंग करना इंटर लिंकेजेस यू मेक एलगोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यू मेक योर स्टडीज हैव डन फॉर लास्ट वट एवर ईयर यू आर डूइंग इफ यू आर ओनली ग्रेजुएट सो वट एवर यूर स्टडीड नो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता पढ़ा हुआ कभी भी, भी वेस्ट नहीं जाता यू कैन मेक लिंकेजेस लोग मेरे से पूछते हैं तुमने एम कर लिया वाई डि एम बी एन यू है हुआ इसलिए इधर आई क्लियर कर पाया मैं क्योंकि आई वॉज अ रीडर मेरे को, मेरे ने कहा था इफ यू आर गुड एट रीडिंग उस आरसीज का फायदा मेरे को में मिलता है सी सेट पता नहीं सी सेट का इतना ज्यादा क्या हो अल्लाह मचा रखा है वेरी क्लियर कट थिंग यहाँ क्या आपके पास कट ऑफ वेरिएबल होता है टेल मी नो यू ओनली नीड टू स्कोर सिक्सटी सेवन मार्क्स इवन नॉट दिस

मैथ्स ऑप्शनल सी सेट फील्ड क्यों क्योंकि सी हैड ईगो कि मैथ्स में मैं गलती नहीं करूंगी फील्ड क्या उसके लिए आसान नहीं था क्या मैथ्स है मैथ्स आई आई टी दिल्ली वन ऑफ द ब्राइटेस्ट कैंडिडेट आई हैव नोन इनफैक्ट मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होती थी मैं उससे हेल्प लेता था बट सी फेल्ड इन सी फ्लंगड इन सी सट मैंने उसको यही बोला तुमने ईगो गेम बनाया एंड यू फेल्ड

they can be either from the reasoning part or from the quant part or from the rc part isse jyada sochna hi nahi hai to ye ye ego kyu nahi rakhna chahiye wo bhi sir ka you cannot play ego with these papers i'll tell you another incident aa main patna mein hi mera center tha पटना में first paper मुझे 35 minutes late mila hai hame 35 minutes late we started our paper on 945 to ट्वेल्व फोर्टी फाइव लास्ट पेपर हमारे हाथ सूच जाते हैं इट्स अ फैक्ट आपके हाथ सूच जाते हैं आई हैड फ्यू फ्रेंड्स जिन्होंने शायद पहले कभी का लिखा था आई हैड नो प्रायर एक्सपीरियंस विद्स मैं ट्वेंटी ट्वेंटी में मैंने फेल किया विद आई थिंक ट्वेंटी फाइव प्लस मार्क्स का गैप रहा होगा दूसरा पीटी मेरा टू पॉइंट फाइव या टू पॉइंट एट मार्क्स से फेल रहा था मैं ये दोनों फेलियर्स के बाद आई क्लियर माई प्रिल्स दिस टाइम इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू आई क्लियर माई मीनस बिकॉज आई वॉज वेरी क्लियर दैट आई बी एबल टू राइट विद द विदेंट बेसिक्स आई न्यू आई हैड दैट है क्यों? क्योंकि I had that mind map kind of a thing. दो साल से से पढ़ ही रहे थे यार, घर से नहीं निकलता था, पढ़ता ही रहता था पढ़ता रहता मैं। तो सर सर के content से से पर वो कहते हैं ना कि अगर ज़्यादा कोई पढ़ा दे तो तो भाई पढ़ लो। मैं तो यही कहता था लेकिन नहीं कोई पढ़ा सकता और फिलोसफी का इतना ज्यादा हेल्प मिलता है आपको आपके एथिक्स पेपर में कि मैं क्या इट इज ऑल बिकॉज क्योंकि सर की एक लाइन बहुत क्लियर थी कि इफ यू आर गुड विद यर लैंग्वेज अगर आप वर्ड्स को प्रेजेंट करना जानते हो प्लगिंग इन टू द राइट थिंग्स बी एबल टू क्लियर द एग्जाम विद वेरी फ्लाइंगी यूल बी एबल टू कॉन्स्ट्रक्ट वर्ड्स विच आर प्लीजिंग टू लिस्ट विच आर वर्थ लिस्निंग आई स्कूडी ब्लंट इन आंसर्स And you won't believe मुझे mock panels में ये कहा जाता थार जो तुम्हारा बात करने का तरीका उसको टोन डाउन करो बट आई थिंक से हुआ था आदित्य इफ यू आर एबल टू डिफेंड येरी लीगल मैनर एथिकल मैनर एंड मोरल मैनर एंड रैशनल मुझे नहीं लगता कि यू हैव टू देन टोन डाउन योर वॉइस जो हो सो हो यू कैनॉट चीट पीपल आर having at least five times experience more than combined your age. कितना मैं शायद मैं इंटरव्यू दे रहा था आई I was 31. और मुझे नहीं लगता कि भाई उनका जो कंबाइंड एक्सपीरियंस है वो डेढ़ सौ साल से कम का होता है एवरीबडी इज एटलीस्ट फिफ्टी एट फिफ्टी सेवन सो दे मस्ट बी इन टू द जॉब्स फॉर लास्ट थर्टी थर्टी फाइव और थर्टी फाइव ईयर सो मल्टीप्लाइंग देम यू गेट अ एक्सपीरियंस ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टी डू रिली थिंक दै कैन चीट देम यस यू कैन बट आगे चल के यू हैव टू पे फॉर दैट यू कैनोट चीट फॉर लॉन्ग एंड नो बडी चीट इट मॉक पैनल में इतना ज्यादा ग्रिल करते हैं दर इज नो सच थिंग्स इन द मेन पैनल वो इतने प्यारे होते हैं जैसे कहते हैं ना पेरेंट्स बैठ के आपकी गलतियां पूछते आप हैं हाँ बेटा बता दो मार तो तुम्हें बाद में पड़ेगी पर पहले बता दो वो वो वहां भी यही होता है वो मार आपको लास्ट में मिलती है सो वन ऑन वन आप वन ऑन वन करो फाइंड योर मिस्टेक्स शॉर्टकमिंग्स वर्क ऑन इट एंड यू डू ग्रिट और स्पेशली रैशनल होना चाहिए इफ 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 यू यू कैन डिफेंड योर स्टैंड वेरी रैशनली क्योंकि रैशनल इज द वे आर लीगल लीगल के लिए आपको लॉ बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है वो कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ाई है पॉलिटी पढ़ते ही हो आप सो यू कैन डिफेंड यूर सेल्फ कॉन्स्टिट्यूशनली कोई जरूरत नहीं है अगर पूछ दे कि एग्जीक्यूटिव और इनफैक्ट मेरे से ही क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी आर एट लॉगर हेड्स व्हाई इट इज एट लॉगर हेड्स तो आई गेव द रीजंस की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर का जो नॉन डेफिनेशन है दैट इज वन ऑफ द रीजन सो उन्होंने मेरे से डायरेक्टली बोला कि हु डू यू सपोर्ट माना सर कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम एंड दैट्स द ओनली वे टू गो सो तुम क्या कहते हो तुम्हें क्या होना चाहिए सो आई सेट्स डिफाइन बेसिक स्ट्रक्चर लेट इट नॉट बी ओपन टू द विम्स एंड फैस द जजेस हुआ कम एंड द मोमेंट यू डू इट इवन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वुड है थिंग्स विच मस्ट बी अनटच्ड एंड वंस दे आर विद्लियर ऑन दट पार्ट दे वुड नॉट बी एट द लॉगर हिट्स

मोरल तो ठीक है इट कम्स फ बहुत ही क्लियर कट होता है एंड दीज थिंग मुझे ऐसा लगता है कि फिलोसफी इज द रीजन वाई आई फील सो मोटिवेटेड फॉर दीज थिंग्स प्रेजेंटिंग माई वर्ड्स इन फैक्ट आई एम प्रिटी गुड विद माई वर्ड्स आई थिंक ऑफ टाइम इन माई लाइफ आई है रूट आई वु मेमोराइज दैट

In 2020 attempt, I think I attempted around 58, 59 questions. In my next attempt, I, I think I attempted around 70, 2.5 marks missed. In my next attempt, I was very clear that how much questions I had to attempt, if I'm clear with those. Take calculated risks so that you don't have to repent later. Life is all about taking risks. But that risks, those risks must be calculated. They must be calibrated. They must not hamper your chances they must ensure that you are leading the path so i did that in my last attempt which was 2022 people are saying that pattern change nature change no sir it was changed last year only in 2022 i had faced those questions like one pair two pair three pair obviously number of questions had were down but this time you had an idea no th these types of questions were coming so you had premonitions of those things we had no idea we told you सो इवन आई फेस दोज थिंग्स और वो सबके साथ होता है एंड अल्टीमेटली यू कैनॉट ब्लेम एनी कमिशन ना दिस टाइम ऑल्सो दे पिक दोर्टीन थाउजेंड आई थिंक फाइव हंड्रेड और सिक्स हंड्रेड पीपल दिल क्लियर द एग्जाम यू मूव ऑन आईर यू कैन क्राई और यू कैन वर्क ऑन योर शॉर्ट कमिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम योर मेन्टर्स यू कैन रीच आउट टू पीपल हु आर हेल्पिंग यू आई एम नॉट सींगट एवरी पर्सन हुज क्लियर द एग्जाम विल रिप्लाई योर मैसेजेस बट आई विल डू फॉर श्योर

एग्जाम से पहले प्रोलिम्स नियर आ रहे होते हैं सो so आपका जो क्वांटम ऑफ टाइम होता है वो थोड़ा बढ़ता है एंड इट्स अ मैराथन आप उजैन बोल्ट नहीं बन सकते हो वो शॉर्ट रनिंग के लिए होता है यू लूज योर मोमेंटम यू हैव टू मेंटेन योर मोमेंटम फॉर अ अंगर पीरियड ऑफ टाइम और जैसा मैंने बोला कोरियन ड्रामा में महीने में तीन तीन चार चार दिन ऐसे होते थे टू वॉच कोरियन ड्रामा लेंस आठ आठ घंटे नौ नौ घंटे इंजीनियरिंग डेज का आदत फिर एमबीए डेज का आदत मेरे को तो हॉस्टल लाइफ ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा जीवन हॉस्टल में निकलेगा इंजीनियरिंग में हॉस्टल देन आई आई टीज का हॉस्टल देन अब फिर से हॉस्टल और मुझे लग रहा है सर आगे अब लॉ भी करूंगा तो फिर से कुछ ना कुछ हॉस्टल तो आप, आप जो भी अपने जीवन में सीखते हो ना टेक लर्निंग फ्रॉम दोंग्स एंड इफ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दो वट एवर यू हैव लर्न इफ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन टू याइफ ना योर लाइफ विल बिकम ईजी ईजी नॉट इन सेंस ऑफ दैट बट यू विल बी एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ इट और जीवन है क्या यार शांति से जीना है प्यार से जीना है फ्रस्ट्रेशन के लिए थोड़े ना है माँ बाप ने मिलकर बहुत प्यार से तुम्हें क्रिएट किया है सो लेट द क्रिएशन बी वेरी ब्यूटिफुल लेट इट रिमेन ब्यूटिफुल मेंटल फ्रस्ट्रेशन होती है टॉक टू पीपल और कोई ऑप्शन नहीं है यू हैव टू टॉक टू पीपल यू हैव टू वर्क ऑन थिंग्स और कोई तरीका नहीं है रो लो मेरे राम की पत्नी जब चोरी हो गई माता सीता का हरण हो गया तो लोग तो कहते हैं कि राम तो बिल्कुल वो कहते हैं ना जैसे जिस लड़के का गौना नहीं हुआ है देर इज अ थिंग कॉल्ड गौना इन बिहार की लड़की को लाने के लिए लाना जाया जाता है और लड़के को क्या कह दिया नहीं नहीं तू नहीं जाएगा लड़का मुंह फुला के बैठ जाता है रोने लगता है राम बिल्कुल वैसे बोड़ाए हुए बालक की तरह रो रहे हैं अपनी पत्नी के लिए पूरा जग अचंभित कि जिसको लोग ब्रह्म कहते हैं पर ब्रह्म कह रहे हैं like बोले बाबा, like कि क्या दुनिया है प्रभु ने क्या लीला रची है तो जब मेरे राम रो सकते हैं नॉट ओनली मेरे राम बट सबके राम जिनकी जिनमें श्रद्धा है जब वो रो सकते हैं तो हमारी क्या औकात है यार और रो लो तकलीफ होती है रो लो नॉर्मल चोट लग जाए ऐसे भी टकरा जाऊं तो मैं रोने लगूंगा तो आपको रोने में क्या डर लग रहा है क्यों नहीं रोएंगे बिल्कुल रोएंगे जब राम रो सकते हैं तो हम भी रोएंगे और एक इंसिडेंस नहीं है वो कोई लेटल ओन मोमेंट नहीं था जब समुद्र से भगवान ने रास्ता मांगा तो गुस्से में वो उस समय भी रो रहे थे कह रहे थे मैं पूरे समुद्र को सुखा दूंगा लक्ष्मण को जब शक्तिबान लगती है एवन देन ही वॉज क्राइंग की पत्नी बचाने आया हूं भाई को भी गवा रहा हूं

बट हाँ राइट काइंड ऑफ संघर्ष सही काइंड ऑफ संघर्ष अब गधे की तरह सर फोड़ रहे हो तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग वो नहीं करना है अगर आपको लगता है कि कहीं आप गलत जा रहे हो सीक राइट मेन्टोर्स एंड दैट विल डू वंडर्स दैट इज द ओनली वे सो इन माई लास्ट अटेम्प्ट आई डिड गुड विद दैट थिंग आई वर्क ऑन माई शॉर्ट कमिंग्स एंड अनदर इंसिडेंट आई आई रोट एथिक्स पेपर आई स्कोट फोर्टी एट मार्क्स पचास दिन पहले मीन्स देने के पचास दिन पहले आई स्कोड फोर्टी एट मार्क्स इन एथिक्स

सर से पढ़ा था जो भी पढ़ा था सब वहां उतार आया दोनों दोनों के दोनों हाईली फिलोसफिकल पहला में पर्पस ऑफ लाइफ टाइप का क्वेश्चन था कि जो नौकाएं होती हैं उनका काम शोर पे रहना नहीं है उनका काम तो भाई समुद्र में तराना होता है थिंग kind of इनके जीवन में ये 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 पूरा का पूरा बुद्धिस्ट क्षण चेंज इज वो पूरा वो मुझे लग रहा है वो गुरु लग गया उसको

Never keep your at so high at a place कि उनका क्रिटिसिज्म ना हो सके मैं राम भक्त हूँ गर्भवती सीता को जंगल में भेज दिया मतलब ठीक है भाई जस्टिफिकेशन है बहुत सारी जस्टिफिकेशन दी जा सकती है मैं तो मानता ही नहीं हूं इस इंसिडेंट को अगर मान भी लू तो जस्टिफिकेशन है क्योंकि देर आर मल्टीपल बुक्स विच कैन जस्टिफाई दैट और वही बात हरि अनंत हरी, हरी कथा अनंत ये तो आपको सीखना है ना आपको जानना इट इज योर वे टू कीप थिंग्स हाउ यू वांट टू परसीव इट परसेप्शन रोप एंड स्नेक वाला फेनोमेना हर बार होगा यू हैव टू इंश्योर कि रोप स्नेक में आप डिसन कर सको एंड मूव है ओनली थिंग्रॉम माई साइड आई एम लीविंग अप टू यू अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लीजिए थैंक यू सो मच सर नो बडी एथिक्स पेपर सी यू हैव टू लर्न टू देशन क्वेश्चनिफिकर्टिकुलर क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल्स अब होता क्या ना कि पहली बार लिख रहा था आंसर राइटिंग सो आई डेंट नो की क्या लिखना है तो मैंने कहा जो आता है वो लिख दो और मैंने विथ एग्जाम्पल्स में विथ एक्स छोड़ दिया आई थॉट आई एम सो स्मार्ट दैट आई विल्जाम्पल्स एंड और वहां नहीं हाथ चलता है सर की एक बात बहुत प्यारी है अगर आप पांच बार पेपर रिवाइज नहीं करोगे पांच बार अगर कॉपी रिवाइज नहीं करोगे आपका हाथ नहीं चलेगा गारंटी है आई एम द लाइव एग्जाम्पल फॉर दैट एंड इवन स्कोर्स आर नॉट दैट बैड फिलोसिंग एटलीस्ट थ्री हंड्रेड प्लस आई स्कोर टू नाइनटी के करीब 134, 35 फाइव इन द फर्स पेपर वो चैलेंज बताया ना मैंने 35 मिनट उस मेंटल फ्रस्टेशन को कंटेन करना देन कीपिंग काम एंड इन द लास्ट मोमेंट आई टू राइट टू आंसर सो फास्ट कि वो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होता है But in second paper I I kept my calm I scored बट इन सेकंड पेपर आई केप्ट माई काम आई स्कोड्रेड्रेडी फोर समथिंग लाइक वर गुड दो आई कुड नॉट डू वट आई वॉन्टेड ठीक है ना हर कोई सोच के आता है सोच के तो मैं आता टॉप टेन में आऊँगा ठीक है कोई बात नहीं है. तो आप क्वेश्चन को पढ़िए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखना है लेट्स टेकअप एनी क्वेश्चन लाइक मैं पिछले साल के एक क्वेश्चन ले लूँ लाइक एक्सप्लेन द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मिडीवल और वट एवर टाइम्स तो आप अगर बहुत क्लियर है कि टेम्पल आर्किटेक्चर प्लस सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है तो देर कैन बी मल्टीपल वेज आप इसको कल्चरली डिफेंड कर सकते हैं इकोनॉमिकली डिफेंड कर सकते हैं क्योंकि टेम्पल्स वर यूज टू बी द इकोनॉमिक सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली इन इंडियन सिविलाइजेशन सो यू कैन डिफेंड फ्रॉम देयर दे वर द मोरल सेंटर्स ऑफ द लर्निंग दे वर द कल्चरल सेंटर्स ऑफ लर्निंग दैट वॉज द सेंटर ऑफ इंटरमिंगलिंग पीपल यूज टू फील दैट बॉन होमी यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी पार्ट विच वीविजन इन आर कॉन्स्टिट्यूशन दैट कम्स फ्रॉम दैट पार्ट ओनली

गुड पॉइंट लास्ट में वेल कंक्लूडेड तो भाई चार नंबर क्यों दे रहे हो दस में क्यों दे रहे हो चार नंबर जब सब कुछ अच्छा है तो दो छह नंबर सात नंबर दो ये चार नंबर का क्या लॉजिक है तुम्हें क्या लगता है मतलब हंड्रेड मार्क्स इज द ओनली क्राइटेरिया क्या आई स्कोड वेल इन एवरी पेपर एक्सेप्ट जीएस थ्री वो भी मेरे को लगता है कि कुछ लोचा हुआ है उसमें आई थिंक एवरीबडी हैज मतलब सम हाउ कम डाउन आई स्कोड इन जी एस वन आई स्कोड हंड्रेड टेन और हंड्रेड फाइव समथिंग जीएस टू हंड्रेड थर्टी हंड्रेड फिफ्टीन इन जीएस फोर आई स्कोड वन थर्टी थ्री तो मैंने ही लिखे थे और दूसरी एक चीज हमेशा याद रखिएगा वो काम नहीं है आपका अच्छी हिंदू की एडिटोरियल्स नहीं लिख रहे हम पता चला उसको वो वर्ड भी नहीं पता हो अब अगर उसको आपका आंसर सीट पढ़ने के लिए उसको सोचना पड़ रहा है कि बच्चे ने क्या लिखा है बेस्ट फिलोसफीज ऑफ द वर्ल्ड पर अगर उसको सोचना पड़ रहा है कि यार लिखा क्या है इसने तो क्या मतलब है I hope that serves the purpose. Or, koi bully. Pardon. See, now the uh, entire dynamics has changed. They are only asking you to address the core questions let's say for example they are asking point wise questions in a case study let's say i'll take up a case study usually question comes identify the stakeholders first question second what are the ethical dilemmas that the candidate is facing third would be what are the options available to the candidate fourth would be which of these out of all options which would be the best option alternative to you and last how do you defend your option

ज यूल सिंपली आइडेंटिफाई दो मूव ऑन टू द्वेश्चन नाउ कमिंग टू द पार्ट विच आर द ऑप्शन अवेलेबल जैसे एक ऑप्शन लोग एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं मैं रिजाइन करके छोड़ दूंगा लोग सोचते हैं लिख दूंगा तो,

why not why not hate speech is dealt in article 19 article 19 perspective my consigns that is a part of my speech also you can take article 25 also now coming to the parts where are the limitations where are the limitations there are three points clearly integrity and unity of the state security of the state relations with the friendly nations i can recall recall those things why because i have written those two page if you are clear with the words तो ऐसा नहीं है आप पढ़ोगे बी एबल टू राइट आपको अगर लिखना है दो जीएस टू के लिखे थे पहला इसलिए लिखा था क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ था आई वॉन्टेड टू मैनेज माई सेल्फ फेल्ड दो क्वेश्चन लेफ्ट आई स्कोर एटी फोर मैंने कहा नहीं ये मैनेज जब तक नहीं होगा आई हैव टू राइट जीएसटू मैंने दूसरा पेपर लिखा लिखाई नाइन आई रोट जीएस वन पेपर और किसी के साथ कॉपी नहीं मिलेगा क्योंकि I have not written test. लिखा ही नहीं है मैंने आई वॉज वेरी क्लियर की मुझे क्या लिखना है वाई क्लियर क्योंकि मेरा एल्गो बहुत क्लियर था कि दीज आर देंसर और मैं कभी भी बेस्ट आंसर के चक्कर में नहीं पड़ा आई ओनली वॉन्टेड कर देंगे ना डायग्राम बना के हाफ पेज तो हो जाएगा. पहले आप इट इज नो वेर इन स्पीच वो इन टू द सम जोग्राफिकल इंसटेंस एंड द पोलिटिकल डायने कास्ट डायंड सोशल डायने कंट्री तीन चार रीजन वो हो जाएंगे ब्रेकिंग द सोशल फेब्रिक ऑफ द नेशन नाउ कमिंग कंक्लूडिंग टू दार्टेट स्पीच देशन कि वट आर द कोर्ट रुपी एक रुपया जाके देना पड़ा था उसको सो so, क्या है ये क्यों मैं बोल पा रहा इट और सिर्फ पढ़ना नहीं है यू हैव टू इंटीग्रेटेड इज अ कॉल्ड हार्ड वायरिंग हार्ड वायर करना पड़ता है वो लिख के नहीं होता है प्रैक्टिस करके होता है आप पहले पढ़ो उसके बाद सेम थिंग यू हैव टू रेप्लीकेट ऑन टू द कॉपी सर ने जैसा कहा ना कि पांच बार जब तक पढ़ के उसको लिखोगे नहीं तब तक छठी बार में आप लिख नहीं पाओगे आई हैव डन दैट अगर मैंने पूरे सांख्य को एक पेज में खत्म किया है उसका कारण यह है क्योंकि मैंने उस सांख्य को उसके पहले कम से कम दस बार लिखा है और दस पेज में लिखा है बड़ा कर, -कर करके देन ओनली आई हैव बीन एबल टू मेक माय कीवर्ड्स लाइक इफ आई से दैट प्रकृति इज एब्सोल्यूट सो आई मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट द वर्ड एब्सोल्यूट आई मस्ट बी क्लियर अबाउट द वर्ड इंडिपेंडेंट आई मस्ट बी क्लियर अबाउट द वर्ड रिलेटिविटी अगर ये वर्ड्स ही क्लियर नहीं है तो मैं तो नोट्स भरता चला जाऊंगा क्या मतलब है मैं एक किताब से दो किताब कर दूंगा प्रीलिम्स स्ट्रेटजी सी यू माइट हियर मल्टीपल थिंग्स But I think uh, basic standard books are never going to change. As I said, constitution change itni jaldi nahi They will remain same. For those topics which are coming here and there from the UPSC commission, you cannot do anything. You can control the variables which are in your hands only. So control those things. You cannot make mistakes on the questions of fundamental rights or for that matter, the powers of governor or for that matter, something which is very logical in nature. वो आप गलत नहीं कर सकते हो एंड इवन आई नो 86 क्वेश्चंस, आई स्कोड हंड्रेड एंड वन कट ऑफ से बारह तेरह नंबर ऊपर तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं दो तीन क्वेश्चन नहीं भी बनाता सो आई वॉज क्लियर दिनेशन विदी क्वेश्चन अगर साइक्लोन का ये प्रोसेस है तो साइक्लोन का प्रोसेस ठीक है साइक्लोन का प्रोसेस भी चेंज हो सकता है क्योंकि दैट इज जोग्राफी इन नेचर हमारे साइंटिस्ट को बहुत कुछ नहीं पता होता है वो हर साल नया मानसून ढूंढने निकल जाते हैं कभी इंडियन ओशन डाइपोल ढूंढते हैं तो कभी ऑस्ट्रेलिया में ढूंढने लग जाते हैं फिर कहेंगे उधर कभी तिब्बत वालों ने कुछ कर दिया कोई भरोसा नहीं है हर साल एक नया रीजन ढूंढा जाता है कि कभी अरेबियन ओशन गर्म हो रहा है कभी इधर गर्म हो रहा है इस बार कह देंगे कि कुछ ज्यादा ही गर्मी हो गई है दिन मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा देंगे कोई भरोसा नहीं है मतलब टीक इट इन लाइट मोड आई एम सेइंग क्योंकि ये चीजें बदलती रहेंगी बट दो युद्ध वो तो नहीं बदलेगा ना कि नए प्लेयर्स आ जाएंगे कि नहीं नहीं पृथ्वीराज चौहान थे 1765 में ऐसा तो नहीं होगा एंड दोस थिंग्स आर गोइंग टू रिमेन सेम सो टिल द टाइम इज नो स्टैंडर्ड वेरी क्लियर कट थिंग की दिस इज द वे टू गो स्टिक टू द बेसिक बुक्स बिकॉज दोज आर द थिंग्स विच आर ओनली गोइंग टू हेल्प यू और आप वो कहते हैं ना कि मुंडी मुंडी मतीर भिन्ना आप जितने लोगों को सुनोगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे तो अपने गुरु पे विश्वास करो वट एवर ही इज टेलिंग यू ट्रस्ट हिम स्टिक टू द बेसिक्स कोई गुरु आपका बुरा नहीं करना चाहेगा टू बी वेरी फेयर तो दैट्स द ओनली थिंग सर नेक्स्ट सी आर मल्टीपल दिंग जैसे मैंने जो पढ़ा था वो सून आईस का पढ़ा था बट मेकिंग अ वेरी कॉर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर नोट्स अगर आपने बेसिक्स uh, खत्म नहीं किया है ना दैट इज अटमेयर क्योंकि वो नोट्स आप उठाओगे सरदर्द हो जाएगा लिटरली सरदर्द है वो मैंने पीटी थ्री सिक्सटी फाइव नहीं पढ़ा ये सब मैंने मंथली पढ़ा था मैंने नोट्स के भी नोट्स बना लिए थे आई एम वेरी गुड एट नोट मेकिंग टू बी वेरी फेयर ये मैंने लगता है अक्षत सर को सुना था अक्षत जान ने कहा था कि मेरे को बेस्ट टीचर भी मिल जाए अगर उसके नोट्स के भी नोट्स मैंने नहीं बनाए तो मेरे से पढ़ाई नहीं होगी एंड सेम थिंग विद मी मेरे को पढ़ के अपना नोट्स नहीं मिलेगा वो कहते हैं ना कि अपने भाषा में आप ना सीखो तो समझ नहीं आता तो उसका रैशनल एप्लीकेशन कहाँ से आ रहा है लॉजिकल एप्लीकेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पॉइंट है इनफैक्ट देयर इज अ प्रोविजन कि अगर स्टेट्स ये नहीं करती हैं तो आर्टिकल 365 356 कैन बी इंपोज्ड और ठीक है भाई गलती हो गई सॉरी सर अब हो गया यार मेरे अब मैं पढ़ाई छोड़ भी दूं तो चलेगा तो ये सारी चीजें हैं तो आप उनको रिलेट करो अपनी भाषा में अपनी मातृभाषा में बनाओ हिंदी में इंग्लिश में मराठी बंगला उड़िया कन्नड़ तमिल जिसमें जो छूट गया भाई माफ करना ठीक है तो आप बनाओ एंड बी ओके दैट नोट्स के भी नोट्स बना लो कोई दिक्कत नहीं है डोंट रिलाई ऑन दैट ओनली और कुछ बोलिए ना टोल्ड यू नहीं छोड़ी जाने दीजिए मतलब नहीं बनता मतलब नहीं बनता सी आई I...

यू कैन आप पढ़ते रहिए दूसरी बुक मैंने तो लक्ष्मीकांत ही पढ़ी है सारे केसेस वहीं से पढ़े हैं आई कैन रिकॉल नीम्स मनेका गांधी उसके बाद आपके शंकर प्रसाद उसके बाद गोलकनाथ केस उसके बाद देन आई आर कोहलो केस देन मनेका गांधी देन केशवानंद भारती केस देन बोम्बई केस यू कैन मल्टीपल केसेस एनजीटी का केस आप आर्टिकल बोलो उसके बाद केसेस आई कैन टेल यू और वो सारी चीजें आपको लक्ष्मीकांत में मिलेंगी क्यों मिलेंगी क्योंकि मैंने नोट्स बनाया था। नहीं होता है सुनने वालों ने भी उसका भी उसका कुछ कर दिया होगा। आप देख लेना या फिर अब तो सारे कोचिंग वाले करेंगे लक्ष्मीकांत गो टू गो बुक आप वही पढ़ो अभी अभी तक तो वही पढ़ रहे हैं लोग और उससे ही आंसर आ रहे हैं इनफैक्ट अगले साल का जब रिजल्ट आएगा सो होप यू क्लियर बट जो टॉपर्स होंगे अगर वो ट्रू होंगे अपने सेंसेस और एबिलिटीज के साथ झूठ ना बोल रहे हो तो वो भी यही बोलेंगे कि लक्ष्मीकांत हैज डन वंडर्स लक्ष्मीकांत इज अ वेरी फाइन बुक पर लक्ष्मीकांत के भी नोट्स बना लेना क्योंकि दैट्स अ वेरी बल्की बुक वो हर बार कुछ ना कुछ नया स्टैचूट वगैरह जोड़ के पेज को थोड़ा पंद्रह बीस पेज बढ़ा देते हैं सो स्टिक टू इट दैट्स द बेसिक बुक और कुछ यस yes, बोलिए मॉक्स आर ओनली गोइंग टू हेल्प यू इफ यू कैन रिटेन एनी थिंग यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स इफ यू कैन रिटेन दम इट्स अ गुड थिंग अदरवाइज माई सबमिशन इज स्टिक टू योर रिजन पार्ट बिकॉज मोर यू रिवाइज मोर यू वर्क विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बी एबल टू टेक अ वेरी क्लियर कट नोट ऑफ इट की हाउ द क्वेश्चन आर बींग इम्प्रोवाइज और हाउ द पैटन इज बींग मेड आउट ऑफ इट एंड क्वेश्चन आर रिपिटेटिव इन नेचर ट्वेंटी ट्वेंटी टू का जिनका भी क्लियर हुआ है दिल अग्री विदैक्ट दैट क्वेश्चन वर रिपीटेड maps ke question not exactly but some particular topic some particular word has been directly used to wo cheeze help karti hain anything else or koi i think that would suffice today thanks a lot thank you so much ha boli na अभी पूरा का पूरा पुरुष प्रकृति खत्म कर दिया यार आप कह रहे हो कि <laughs> आप कुछ नहीं करो पहले तो आप पांच बार पढ़िए देन ओनली यूल बी एबल टू मेक सेंस की मुझे यहां से क्या निचोड़ लेना है ठीक है तो पहले पांच बार पढ़िए और एक बार नहीं पढ़ के फिर भी समझ में नहीं आता है तो आई थिंक आई विल डूइंग सम नोट मेकिंग सेशन समडे आप अटेंड कर लेना हो जाएगा बोलिए ना

पर हाँ फर्जी नहीं सोचना है पता चला दिन भर बैठ के हम यही सोच रहे हैं मैं आयिस बन रहा हूँ मैं आयिस बन रहा हूँ ये भी नहीं करना है जैसा मैं बोला ना रैशनल होना है भक्ति का मतलब ये नहीं होता है कि मैं अपना काम धंधा छोड़ करके राम राम लग जाऊं क्योंकि इतना इंसान तो मैं सच्चा हूं नहीं गलतियां मैं भी मैंने भी की हैं बहुत सारी गलतियां की हैं बहुत पापी इंसान हूं मैं तो मैंने भी बहुत सारी गलतियां की होंगी तो भक्ति उतनी ही जितनी जरूरी है कर्म नहीं छोड़ सकते आप अपने ज्ञान के मार्ग से हट नहीं सकते वो कहते हैं गीता जो जिस हिसाब से पढ़ता है उसको वैसा दिखता है तिलक को उसमें कर्म दिखता था हमारे शंकराचार्य को उसमें ज्ञान दिखता था हमारे रामानुजाचार्य को उसमें भक्ति दिखती थी मुझे तीनों दिखता है मैं थोड़ा थोड़ा तीनों हूँ तो इसीलिए वूट्स यू डू दैट दिन रात जब मन करे पढ़िए बट स्टे ट्रू टू योर सेल्फ स्टे कंसिस्टेंट आप अपने आप को धोखा दोगे वो फिर प्रॉब्लम है आप दूसरे को धोखा नहीं देते हो यूल वेस्ट योर ईयर्स यूल वेस्ट योर टाइम और ये पेपर ऐसा है ना सी इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग रोना आता है टूट टूट के रोना आता है कहते ना मैं क्यों कहता हूँ रो लो यार क्योंकि वंस यू क्राई ना हल्का लगता है उसके बाद जो पसंद आए देखो मैं कोरियन देखता था ठीक है दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच